और यहाँ ये बोर्ड लिखा हुआ आ गया है लद्दाख शांति स्तूपा, और ये इनकी लैंग्वेज में इधर दूसरी साइड, और ये रोड वहीं जाकर रुकेगी और दूर से वो दिखाई दे रहा है वहाँ जाकर रुकेंगे हम। यानी कि ये रोड अभी टर्न लेगी इधर से ऐसे, जहाँ ये शायद बाइक वाले जा रहे हैं से। अदरवाइज तो सीढ़ियों का भी एक रास्ता है जहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली 500 स्टेज जो है वो आपको चढ़नी पड़ती है। पर देखो भैया 500 स्टेज हम तो नहीं चढ़ सकते फिलहाल, क्योंकि हम तो गए थक बहुत ज़्यादा, और वैसे भी जिस तरफ से है ना अब तो ऐसा लगता है दो कदम चलते हैं ना तो सांस फूल जाती है। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम तो भैया गाड़ी से ऊपर की तरफ चलते हैं, और ये आ चुका है शांति स्तूपा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए शांति स्तूपा आ गया, ये रहा भैया मंदिर, है ना बहुत सही सुंदर है। अभी ऊपर चल के दिखाते हैं आपको, इसीलिए यहाँ का बहुत जाना माना मंदिर है। अभी जो शांति स्तूप हम पहुंच गए, यहाँ का टिकट मिला है हमें 30 रुपीज पर पर्सन, यानी कि दो लोगों का अराउंड 60 के आसपास हो गया। टिकट यहाँ पे हर जगह है, जहाँ पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपको टिकट तो लेना ही पड़ेगा। इवन दो अगर आप नुब्रा वैली पैंगोंग लेक जाते हो तो वहाँ पे भी अभी आपको जो है वो ग्रीन फीस वगैरह, ग्रीन परमिट जो है वो आपको लेना पड़ता है, उसका भी अराउंड 500 रुपीज़ के आसपास लेना पड़ता है। है पहले टेंपल है, इधर टेंपल है, चलो पहले टेंपल देखते हैं। सिंस 1985 वेलकम टू एंटर। शूज निकाल देते हैं, इट्स ब्यूटीफुल। अंदर जाकर जानकारी नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, नो डाउट। तो यहाँ में शांति है, बहुत शांति है। यहाँ बैठने का मन करता है, यहाँ कोने में बैठ जाते हैं, ना कोई आवाज है और ठंडा ठंडा सांस भी अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऊंचाई पे है हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा शांति। थोड़ी देर मैं भी बैठता हूँ भाई तुम्हारे पास। आपको दिखाई दे रहा होगा, अरे बहुत दूर है, पहाड़ पे लिखा हुआ है लैमडॉन, लैमडॉन सही है भाई। तो फाइनली ये है शांति स्तूपा का मंदिर, इससे पहले जो नीचे दिखाए आपको इसी के पार्ट थे। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अच्छी सोनी कहाँ गई, वो देखो अपने फोटो में लग गई है।
भाई है बहुत ऊंचाई पे, नो डाउट, बहुत ऊंचाई। अरे बादल कितने अच्छे लग रहे हैं सोनी, खत्म सीरियसली, क्या इतना अच्छा लुक दिया हुआ बादलों ने, बहुत बढ़िया। आओ ये ऊपर भी जाता है, बादलों ने भी बहुत अच्छा लुक दे रखा है अपना, और हम फाइनली ऊपर आ गए हैं। हाँ अच्छा अच्छा इतनी फूल रही है, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, मैं खाली साउंड डालूंगी, देख लेना। देखो दोस्तों, अगर आप आ भी नहीं पा रहे ना, तो आपको हम वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो देखने के लिए इंसान इन जगहों पे आता है। आप ये देखिए, पूरी बर्फबारी हो ऊपर की तरफ, यहाँ नहीं इस तरफ भी, अगर आप देखोगे तो इस तरफ भी है, और अगर हम दूसरी तरफ चले जाते हैं ना, तो वहाँ तो भाई बहुत ही बुरा हाल था। कल आपने वीडियो में देखा होगा मेरी लास्ट कितनी बुरी हालत थी, और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर चलो यहाँ से अगर दिख जाता है तो थोड़ा सा, आपको देखिए कितना ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, और ये हर जगह का हाल है लद्दाख का। और हमने यहाँ पे थुक्का ऑर्डर कर दिया है, और अभी यहाँ बैठकर थुक्का को एंजॉय करेंगे, ले की फेमस डिश थुक्का। नॉर्मल कैसा है? ठीक है। ये है थुक्का जो स्पेशल ले की डिश है, और तुम्हारे साहब को ओके फाइनली यहाँ की फेमस डिश थुक्का हमने खा लिया है, और यहाँ के सब थुक्का कुछ अलग ही डिश है यहाँ की, जो मुझे अच्छी लगी, मतलब ओरिजिनल है, ज़्यादा कोई मसाले नहीं है, स्टार्च वगैरह सूप में डाल के देते हैं ना, वो नहीं था, अलग ही पता चल रहा था, वेरी नाइस, मुझे पसंद आया। तो दोस्तों अच्छा, आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, उम्मीद तो यही करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगा होगा, नाक वाक सब बंद हो चुके हैं फिलहाल। उम्मीद करते हैं कि ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल पर बने रहेगा, क्योंकि आपकी ये इससे मतलब इस वीडियो के जस्ट बाद आपके लिए हम लेके आने वाले हैं मैग्नेटिक हिल की वीडियो। और सबसे स्टार्टिंग में इस जो शांति स्तूप है, इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, और इसका खुलने का और बंद होने का टाइमिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टार्टिंग का गेट ऐसे, और हम घूम कर आ गए, और अब हम जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल, अब वहाँ जाकर देखते हैं रियली क्या वहाँ का रिएक्शन है, एक्शन है, रियल में मैग्नेट वहाँ का जो है साइड खींचता है कि नहीं, देखते हैं सब चीज़ें देखते हैं। और ये देखिए जरा, ये बहुत दूर था कि अंधेरा अंधेरा बादल है, धुआं है, क्या है, हमारी समझ नहीं आ रही थी, और अब ये बहुत पास, हमारे बहुत पास आता जा रहा है, और वहाँ का तो मुझे पता है, उधर के एरिया में तो वहाँ मुझे पता है स्नोफॉल हो रही है, बहुत हैवी स्नोफॉल, क्योंकि हम ऐसे वेदर से निकल के आ चुके,
बट ये जो आगे काला काला सा धुआं है इसका नहीं समझ आ रहा है क्या, तो ये बोलते हैं ना कि काला बादल हो गए, घटा बादल हो गई शायद, क्या तो इस तरह का है। और पीछे स्नो वाले जो बादल हैं वहाँ पे अच्छी बढ़िया धूप निकल रही है, कितने चमकदार दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारा नेशनल फ्लैग, वही जगह है। हाँ, वही अभी चलना है कि आगे चलना? आगे चलेंगे, ये रास्ते में ही पड़ेगा ना।